हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं लच्छा पराठा। वैसे तो ठंडी बहुत है, लेकिन आपके लिए हमें कुछ ना कुछ रेसिपी तो बनाना ही पड़ेगा, ताकि हमारे फ्रेंड लोग खाएँ और हमें कॉमेंट करके बताएं कि कैसा बना है। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि मैंने आटे लिए हैं। आप अपने हिसाब से आटे ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आटे गूंथ चुके हैं। अब हम इसे छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, एकदम छोटे छोटे और राउंड राउंड बॉल बनाने हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे छोटे छोटे और राउंड राउंड बॉल बनाए हैं। अब इसे छोटी छोटी रोटियां बेलेंगे। तो फ्रेंड, आप कमेंट करिएगा कि क्या आपसे गोल गोल और राउंड राउंड रोटियाँ बन पाता है या नहीं। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि हम अपनी रोटियाँ गोल गोल बेल रहे हैं। अब हम उस पर तेल लगाएंगे। फ्रेंड, मैंने यहाँ रिफाइंड तेल यूज़ किया है। आपको जो तेल अच्छा लगे आप वो तेल यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, तेल लगाने के बाद इसे हाफ से फोल्ड कर देना, दूसरे साइड से भी हाफ फोल्ड कर देना। फिर मैंने इस पर तेल लगाया और इसे एक साइड से फोल्ड किया, दूसरे साइड से भी फोल्ड कर देंगे। अब इसमें आटे लगाएंगे और इसे फिर से रोटियाँ बेलेंगे। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है। आपके यहाँ कितनी ठंड लग रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि हमारी रोटियाँ बेल चुकी हैं। अब मैं एक पैन लूँगी। पैन में मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। अब मैं रोटियों को देखती रहूँगी कि हमारी रोटी एक साइड से पक गई है कि नहीं। तो फ्रेंड, हमारी रोटियाँ हल्का फुल्का पक चुकी है एक साइड से। फिर इसे हमें उलट पलट कर देखते रहना है कि हमारी रोटियाँ पकी है या नहीं। फ्रेंड, हमारी रोटी एक साइड से पक चुकी है। मैं इसे दूसरे साइड से पलट कर अच्छी तरह से पकाऊंगी। मैं इस पर फिर से तेल लगा ली, दूसरी साइड भी फिर से तेल लगा लूँगी और इसे ये साइड से भी पलट दूँगी। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि हमारी रोटियाँ फूली फूली और गोल गोल हुई है। फिर हमारी रोटी तैयार हो गई है। हमारी रोटी तैयार हो गई है फ्रेंड, और ये है फूल गोभी की भुजिया। तो फ्रेंड, आप इसका रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और इसका रेसिपी मैंने डाला हुआ है, आप देख लीजिए। फ्रेंड, ये पराठा इस भुजिया के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और वैसे ही लाइक करिए। थैंक यू।